नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जा रहे हैं गुड़गांव से केदारनाथ, यानी गुड़गांव से सोनप्रयाग तक जाएंगे हम गाड़ी से और वहां से फिर शुरू करेंगे पैदल यात्रा। अभी 4:05 हो गए हैं और हम निकले हैं गुड़गांव से। देखते हैं कितना टाइम आज हमको लगेगा वहां तक पहुंचने में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। गुड़गांव पार करने के बाद हम चढ़ चुके हैं पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर और पहला टोल हमारा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, केवल गाड़ी की एंट्री होगी। जब इससे उतरेंगे तब यहाँ पर टोल टैक्स कटेगा। गाड़ी का टैंक हमने फुल करा लिया था। आपको लास्ट में मैं पूरी जानकारी दूंगा कितना हमारा टोल टैक्स लगा, कितना पेट्रोल लगा। फिलहाल फुल टैंक होने के बाद 380 किलोमीटर की गाड़ी की रेंज दिखा रही है और यहाँ से केदारनाथ की दूरी है लगभग 480 किलोमीटर। चल पड़े हैं हम, पहला टोल टैक्स पार कर दिया है। अभी इससे हम बागपत के पास जाकर उतरेंगे। अभी दिन का टाइम है तो इसलिए मैं गाड़ी थोड़ी तेज़ चला रहा हूँ। हालांकि इस हाईवे पे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की लिमिट है, लेकिन मैं 100 के आसपास ही गाड़ी चला रहा हूँ। ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलानी चाहिए हमको, क्योंकि ज़्यादा स्पीड पे कंट्रोल होने के कम चांस रहते हैं गाड़ी के। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दूसरा टोल हमारा आ चुका है, जो बॉर्डर का टोल होता है। यहाँ पे हमें चार्ज देना होगा 150 रुपीज़ का। फिर यहाँ से हम यूपी में एंटर कर जाएंगे इसे पार करने के बाद, और अगला टोल हम उतरने के बाद ही देंगे। लाइन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी मशीनें थोड़ी हल्की हैं, टाइम लग जाता है 5-7 का यहाँ पर। गुड़गांव में जो टोल है उसकी मशीन बहुत एडवांस है, वो दूर से ही कैच कर लेता है, तो गाड़ी को स्लो भी नहीं होना पड़ता। हल्की सी स्लो होती है, गाड़ी निकल जाती है तुरंत ही, लेकिन यहाँ पर बहुत टाइम लगा देते हैं। एक गाड़ी को 3-4 लग रही है यहाँ पे। मेरे से आगे एक ही दो गाड़ियाँ हैं, दूसरी गाड़ी वो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, क्या दिक्कत है, या तो स्कैन नहीं हो पा रहा होगा उसका फास्ट टैग। चलो एक गाड़ी तो निकल गई, ये भाई गोलागिरी बेच रहा है। लो जी, इस टोल से भी हम निकल चुके हैं। 15-20 इन्होंने हमारी ख़राब करवा दी। पहले टोल का नियम यह होता था कि अगर आप 3 से ज़्यादा रुकते हैं तो टोल फ्री हो जाता है, और फास्ट टैग आने के बाद ये नियम 1 का हो गया। 1 के बाद कोई टोल टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन हमारा आज तक कभी फ्री नहीं हुआ। 20-30 हो जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। हमारा तीसरा एंट्री का टोल आ चुका है। ये बागपत के कट से थोड़ा पहले पड़ता है, बादली के पास। बादली जाने के लिए यहाँ से उतरा जाता है। देखते हैं इस पर कितना टाइम लगता है। यहाँ पे हमारी गाड़ी की एंट्री होगी, फिर जब हम हाईवे से उतरेंगे तब इसका टोल टैक्स कटेगा। काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे, तो लगता है 1/2 से भी ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे गाड़ियाँ निकल रही हैं। टोल टैक्स अच्छा बना रखा है, वैसे बिल्डिंग सी बना रखी है एक बहुत ऊंची, कुतुब मीनार की तरह। ये बहुत बड़ी समस्या है। वैसे इसी के लिए जल्दी के लिए फास्ट टैग लगाया था, लेकिन फास्ट टैग की वजह से भी इतना टाइम लग जाता है टोल में। अब टोल के कारण ही हम 2-3 लेट पहुँचेंगे केदारनाथ में। 25 हो गई, अब भी 2 गाड़ी आगे हैं। एवरेज आ रहा है गाड़ी का 18.7 का। बहुत टाइम लग गया इस टोल पे भी। फ्री का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, चाहे कितना ही टाइम हो जाए। 570 किलोमीटर अभी गाड़ी चल जाएगी हमारी इसी एवरेज पर।
लो भाई निकल लिए स्टॉल से भी। लगभग 85 किलोमीटर हम गुड़गांव से आ लिए हैं अब तक, और टाइम लगा है यहाँ तक आने में करीब 1.5 से 2.5 घंटे। नब्बे किलोमीटर गुड़गांव से और 60 किलोमीटर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे चलने के बाद अभी हम बागपत वाले कट से नीचे उतर रहे हैं। चौथा टोल टैक्स यहाँ पर अब हमें देना पड़ेगा। अभी तक बिल्कुल क्लियर रोड यहाँ तक थी 90 किलोमीटर तक, थोड़ी भी रोड हमें ख़राब नहीं मिली कहीं पर भी। और टोल टैक्स भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई गाड़ी आगे नहीं है हमारे। टोल टैक्स देने के बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं, अब करीब 10-12 किलोमीटर सीधे चलेंगे, फिर राइट होंगे मेरठ के लिए। लगभग 8 किलोमीटर चलने के बाद बागपत रोड से अब राइट हो चुके हैं हम मेरठ के लिए। अभी तक बिल्कुल क्लियर रोड हमें मिली है, कहीं भी रोड जरा सी भी ख़राब नहीं मिली। करीब 0.5 किलोमीटर सिंगल रोड पर चलने के बाद अब चढ़ चुके हैं हम मेरठ और बागपत हाईवे पर। इस पर एक टोल टैक्स पड़ेगा बलैनी के पास। हम पहुंच चुके हैं अभी बागपत टटीरी, यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग आती है एक, इस पर थोड़ा बहुत जाम होता है कभी कभी, लेकिन अभी खाली पड़ा है बिल्कुल, क्योंकि फाटक खुले हुए हैं, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाता है कभी कभी यहाँ पर। 10 घंटे 44 मिनट का रास्ता अभी सोनप्रयाग का दिखा रहा है यहाँ से, और करीब 28 किलोमीटर अभी मेरठ दिखा रहा है, और टाइम हो गया है 6:15, यानी करीब 2 घंटे हमें यहाँ तक पहुँचने में लगे, 100 किलोमीटर की यात्रा तय की 2 घंटे में। पांचवा टोल टैक्स अब आ चुका है बलैनी का, बलैनी टोल प्लाजा। यहाँ पर करीब 60 रुपीज़ का टोल हमारा लगेगा, और यहाँ से 15 किलोमीटर मेरठ बच जाता है, फिर मेरठ से हम लेफ्ट होंगे हरिद्वार हाईवे के लिए। ये टोल भी खाली पड़ा है बिल्कुल, कोई लाइन नहीं है, जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं होगा हमारा, जैसे पिछले लास्ट 3 टोलों पे इतना टाइम ख़राब हुआ है, करीब 1 घंटा उन्हीं में बर्बाद हो गया। निकल लिए भाइयों यहाँ से भी, 60 रुपये का टोल टैक्स हमारा लगा है यहाँ पे, और अगर 24 घंटे में वापस आ जाते हैं तो 25 रुपये का लगता है यहाँ पे केवल। तो दोस्तों मेरठ पहुंचने वाले हैं, 10 घंटे 16 मिनट का रास्ता यहाँ से सोनप्रयाग का दिखा रहा है। अब पहुंच गए हम मेरठ के पास सिवाल खास, यहाँ से नहर का रास्ता है, सबसे बढ़िया शॉर्ट रास्ता, वैसे वन वे सिंगल रोड है, 20 किलोमीटर के आसपास इस पे चलना होगा, फिर पार कर जाएंगे हम पूरा मेरठ।
ठीक है। रोड कहीं कहीं थोड़े बहुत गड्ढे हैं, वैसे बढ़िया रोड है। अभी अंधेरा हो चुका है दोस्तों, अभी हम चढ़ रहे हैं NH 58 पर, यहाँ से मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार, और हरिद्वार से फिर ऋषिकेश, और ऋषिकेश से सोनप्रयाग। तो लगभग पूरा जो पहाड़ों का रास्ता है हमें रात को ही कवर करना पड़ेगा। वैसे डेंजर रास्ता है क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हमें वहाँ पे मिलेगी, लेकिन अब रुकने का भी कहीं फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी अगर हम रुके तो पूरी रात ख़राब होगी, सोएंगे फिर कल दोपहर तक ही वहाँ से निकला जाएगा और अगली शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। मेरठ क्रॉस कर लिया है दोस्तों, यहाँ से टाइम दिखा रहा है 10 घंटे 5 मिनट का, लगभग 371 किलोमीटर, 4:49 पे सुबह पहुँचेंगे सोनप्रयाग। और अभी पहुँचने वाले हैं हम खतौली, मुजफ्फरनगर से पहले पड़ता है। खतौली से पहले दोराला पहुँच चुके हैं हम, दोराला टोल प्लाजा पर। यहाँ पर करीब 80 रुपये का टोल हमारा लगेगा, और थोड़ी बहुत लाइन है इस टोल पर भी, टाइम लग जाएगा लगभग 10 मिनट का। इसी लाइन में ले लेते हैं, इसमें थोड़ी कम गाड़ियाँ हैं। वैसे इस टोल से बचने का एक रास्ता भी है, थोड़ा पहले 100 मीटर पहले राइट को मुड़ के और आगे निकलता है करीब 2 किलोमीटर आगे जाके, लेकिन वो खेतों का रास्ता है, थोड़ा उबड़ खाबड़ भी है तो रिस्क लेना गलत है। गाड़ियाँ फटाफट निकल रही हैं यहाँ से, अच्छी मशीन है इनकी, स्कैनर जो होता है, लेकिन फिर भी 5 से 7 मिनट हमको लग गई यहाँ पर भी। ये 60 रुपये का टोल टैक्स इसमें कटा है हमारा। अब यहाँ से 10 किलोमीटर बाद हम पहुँचेंगे खतौली, फिर उससे 20 से 25 किलोमीटर बाद आएगा मुजफ्फरनगर। तो रोड बिल्कुल हाईवे का रास्ता है, बिल्कुल क्लियर रोड है, तो थोड़ा स्पीड से गाड़ी हम यहाँ पे चला सकते हैं, और स्पीड लिमिट है इस हाईवे की 90 किलोमीटर पर आवर। साढ़े 7 बज गए हैं और अब पहुंचे हैं हम ओल्ड राव होटल पर। ये मुजफ्फरनगर से थोड़ा पहले पड़ता है, इसकी मेन ब्रांच जो है वो है भिवाड़ी के पास धारूएड़ा। बहुत ही शानदार होटल है ये, अगर आप को मौका मिले ज़रूर एक बार खाना खाइएगा यहाँ पे, बहुत अच्छा खाना यहाँ पर मिलता है। गाड़ी खड़ी कर दी अपनी यहाँ पे, चलते हैं खाना खा के बताते हैं आपको। ये है यहाँ का मेनू, और होटल की कंडीशन भी बहुत ही फर्स्ट क्लास है, अंदर से बेहतरीन होटल बना हुआ है, बिल्कुल जैसा भिवाड़ी में है उससे भी सुपर हिट। देखो ये है इसकी ब्रांचें, सिद्रावली, भिवाड़ी, निबराना, पोटा, द लाल विलास, बहरोड, अलवर, गुरुग्राम, नारनौल, गढ़, यूपी, रूपर, 4 राज्यों में इस होटल की ब्रांच है। आज से 5 साल पहले एक ही ब्रांच थी इसकी। ये है इसका मेनू, स्क्रीनशॉट ले लेना आपको अगर रेट देखने हो। वैसे भिवाड़ी में खाया था मैंने लास्ट टाइम राव होटल में, वो यहाँ से काफ़ी महंगा था। ये सब्जी है, मशरूम सीजनल, रायता, सलाद, दाल, ये पनीर की सब्जी है, और कोफ्ता करी, ये ब्रेड्स हैं, रोटी प्लेन 31, बटर रोटी 39। अच्छा है वैसे, क्वालिटी भी इसके खाने की बहुत अच्छी रहती है राव होटल की। मैं काफ़ी बार खा चुका हूँ इसकी जो मेन ब्रांच है भिवाड़ी में। अभी आएगा खाना, मैं आपको बताता हूँ टेस्ट करके कैसा लगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, जय भोले राम।
ये आ गई भाइयों हमारी स्पेशल थाली राव की फेमस। तीन सब्जी हैं इसमें और वेज पुलाव है, सैलेड है और रायता है, फ्रूट रायता, पापड़ है और तीन तरह की ब्रेड्स है। रोटी काफ़ी होती है वैसे दो बंदों के लिए। इसका प्राइस है यहाँ पर 420 रुपये विद टैक्स। अभी खा के फिर आपको टेस्ट बताते हैं कैसा टेस्ट था खाने का, वैसे अच्छा ही होगा। ये है भैया इनका वॉश बेसिन और टॉयलेट, बढ़िया है। खैर होटल का खाना भी बहुत अच्छा था और अरे भाई की बॉडी भी बढ़िया। भाई हम आर्मी वालों की यही खासियत रहती है, हम शरीर में फिट रहते हैं। बिल्कुल हिचकी आने लगी मुझे तो खाना खा के, इतना भरपेट खाना खा दिया यहाँ पे। बहुत ही टेस्टी खाना था वैसे। चलते हैं अब दोस्तों, बहुत लंबा सफ़र है अभी। तो दोस्तों करीब एक घंटे का लंच ब्रेक लेकर हम यहाँ से निकल गए। अभी लगभग 332 किलोमीटर सोनप्रयाग बचा है, करीब 9 घंटे का रास्ता। और टाइम हो गया है 8:30, तो पहुंचने में शायद 6 बज जाएंगे। जुड़े रहो हमारे साथ, आपको करवाएंगे बढ़िया दर्शन बाबा भोलेनाथ के। रास्ता बहुत लंबा है वैसे, लेकिन मज़ा भी आता है चलने में। और आप जैसे भाई जुड़े हुए हों तो और ज़्यादा मज़ा आता है। एवरेज भी सही दे रही है गाड़ी, 630 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है अभी। सातवां टोल प्लाजा आ चुका है दोस्तों, छपार टोल प्लाजा के नाम से है। मुजफ्फरनगर से करीब 20 से 25 किलोमीटर आगे पड़ता है हरिद्वार की तरफ। और 80 रुपये का टोल यहाँ पर भी देना पड़ेगा। लाइन बिल्कुल नहीं है यहाँ पर भी, खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि रात का टाइम है वैसे भी, और इसीलिए यहाँ पर खाली रहते हैं ज़्यादातर टोल। काफ़ी दूर अभी बचा हुआ है सोनप्रयाग यहाँ से, लगभग 8 घंटे 35 मिनट का रास्ता अभी है। 294 किलोमीटर, सुबह 5:37 पर पहुँचेंगे अगर सीधे चलते रहे तो। ये हरिद्वार की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, टाइम हो गया है 9:15। यहाँ से करीब 50 किलोमीटर बचा हुआ है अभी हरिद्वार, फिर वहाँ से 25-30 किलोमीटर ऋषिकेश, फिर देखेंगे रास्ते में रुकना पड़ेगा कहीं, क्योंकि रात को सही नहीं है, सेफ नहीं है वो रास्ता ऋषिकेश से सोनप्रयाग का। जहाँ भी हमें ऐसा लगेगा मान लो रास्ता ख़राब है, वहीं पे रुक जाएंगे, होटल मिलेगा ठीक है, नहीं तो अपनी गाड़ी में ही लेट जाएंगे साइड में लगा के। देवभूमि उत्तराखंड आपका स्वागत करती है, जय शंकर जय महाकाल। हरिद्वार पहुंचने वाले हैं भाइयों, करीब यहां से 25 किलोमीटर हरिद्वार रह गया, 20 या 25। और देखो एवरेज कितना बढ़िया दे रही है गाड़ी, आपने शायद पहली बार देखा होगा मैग्नाइट गाड़ी का 20.5 का एवरेज दे रही है। लेकिन देती है लंबे रूट पे ये गाड़ी, अगर नॉर्मल चलाई जाए 70-80 के बीच में। अभी शायद हरिद्वार तक हमें आधा घंटा और लग जाएगा, टाइम हो गया है 9:50।
तो 10:15 10:20 तक हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। और जी सोन प्रयाग रह गया है यहाँ से, ये देखो 250 किलोमीटर, 8 घंटे 3 मिनट का रास्ता अभी बाकी है। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय महाकाल। हरिद्वार से पहले जो टोल टैक्स पड़ता है वो आ गया। हरिद्वार तक का लास्ट टोल टैक्स है। 2 मिनट से भी ज्यादा हो गई लेकिन अब तक गाड़ी नहीं निकली हमारी। अब इनसे कौन बहस करे रात के टाइम में, या तो 5-7 लड़के आवे लठ लेके इनकी अच्छी डाल दे दबो। निकल ही नहीं रही गाड़ी, बिल्कुल जाम लग रहा है। सारी लाइन रुकी हुई है एकदम। इनकी एक तो मशीनें ही ठीक काम नहीं करती हैं, जो स्कैन करती हैं फास्ट टैग को, भी मशीनें ही ठीक काम नहीं करती हैं। एक गाड़ी को कम से कम 15-20 सेकंड लग जाती है, ज्यादा भी हो जाती है कभी कभी। हालांकि गुड़गांव का जो टोल टैक्स है उसमें बहुत फास्ट हो रहा है, उसमें तो गाड़ी स्टॉप ही नहीं होती, सीधी निकल जाती है एकदम, तुरंत स्कैन हो जाता है दूर से। मेरे ख्याल से टोल टैक्स के चक्कर में ही 1 घंटा लेट हो गए हम, क्योंकि जहां भी जिस भी टोल टैक्स पे गए वहीं पे लाइन लगी हुई थी। एक जगह तो निकल गए थे हम फ्री में, उन्होंने खोल दिया था, वो सही थे बेचारे। एक ट्रक रह गया बस आके, तो क्या हमारे ही नंबर है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारे टोल टैक्स के चार्ज और कहां कहां टोल टैक्स पड़ता है सारी जानकारी आपको दूंगा एक एक बिल्कुल। जुड़े रहिए हमारे साथ केदारनाथ की यात्रा में। आप सभी का स्वागत है, आपको अच्छे से दर्शन कराएंगे। जय महाकाल, जय शिव शंकर। आ गया हमारा भी नंबर। जाम लगा हुआ है रात के टाइम भी हर की पैड़ी पर। टाइम हो गया है 10:31, करीब 15 मिनट से जाम में फंसे हुए हैं। अभी एक एम्बुलेंस निकली है हमारी साइड से, बहुत तेज रूटर बजाती हुई, शायद कोई इमरजेंसी केस था। बताओ कितनी प्रॉब्लम होती होगी जाम में। और भाइयों अभी रास्ता रह गया हमारा सोन प्रयाग का, यहाँ से 7 घंटे 36 मिनट का। सुबह 6:07 पे पहुँचेंगे, 227 किलोमीटर बचा है अभी। हर की पैड़ी के पास अभी हम हैं। जुड़े रहिए दोस्तों। जय शिव शंकर, जय महाकाल। भैया पूरा पौन घंटा हो गया जाम में, अब तक जाम नहीं खुला है, धीरे धीरे चल रही है गाड़ी बिल्कुल। हर की पैड़ी का हाल है रात के 11 बजे, 10 बजे हम जाम में लग गए थे, 11 बजने वाले हैं। बहुत स्लो चल रही है गाड़ी बिल्कुल, पता नहीं कैसा जाम लगा रहता है इस टाइम। गुड़गांव से लेके यहाँ तक केवल यही जाम मिला है हमें और कहीं जाम नहीं था। 4 बजे गुड़गांव से चले थे हम, 11 बज गए हैं।
7 घंटे 8 मिनट का रास्ता अभी दिखा रहा है सोनप्रयाग का। यहाँ से 215 किलोमीटर है और सुबह 6:37 पर पहुँचेंगे। अभी तक तो जाम ही नहीं खुला है, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है हरिद्वार में।